बार आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बात में मैंने आपको कई बार न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल्स की तस्वीरें दिखाई, डराने वाली तस्वीरें थी। स्पेन के हॉस्पिटल्स में लगे लाशों के ढेर दिखाए, इटली की सड़कों पर पड़ी लाशों की तस्वीरें दिखाई, ब्रिटेन की सड़क पर चलते चलते गिरते लोग दिखाए। आज मैं आपको अपने देश के हॉस्पिटल्स की तस्वीरें दिखाऊंगा जो आपको चौंका देंगी। आपको अंदाजा लगेगा हमारे यहाँ हाल कितने बुरे हैं। ये तस्वीरें खौफनाक हैं, भयानक हैं, दिल को दहलाने वाली हैं। लेकिन ये तस्वीरें दिखाकर मैं आपको डराना नहीं चाहता, सावधान करना चाहता हूं। हमारे देश में लोग कोरोना के बारे में हॉस्पिटल जाने से क्यों डरते हैं, डॉक्टर को बताने से क्यों डरते हैं, हमारे देश के हॉस्पिटल्स में हाल क्या है, कोरोना के पेशेंट्स का डॉक्टर्स पर बहुत प्रेशर है, वार्ड्स में मरीजों के बीच लाशें पड़ी रहती हैं, उठाने वाले कम हैं, कोरोना के पेशेंट्स की डेथ पर प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, इन लाशों को ठिकाने लगाने में टाइम लगता है, इसलिए मरीजों को लाशों के बीच वक्त काटना पड़ता है। जहां कोरोना का टेस्ट हो रहा है वहां स्वाब कलेक्ट हो रहा है, वहां भी लाशों को रखा गया है क्योंकि मॉर्चरी में अब जगह कम पड़ने लगी है। लाशों को शमशान घाट या कब्रिस्तान तक ले जाने वाली गाड़ियां कम पड़ने लगी हैं। कुछ हॉस्पिटल्स में लाशें मॉर्चरी के बाहर लाइन में फर्श पर पड़ी दिखाई दी क्योंकि मॉर्चरी में जगह नहीं है, फुल है। राजस्थान के कोटा से आज जो वीडियो आया वो देखकर कलेजा फट जाता है। मरीज मरने से पहले तड़प रहा है और उसे अटेंड करने वाला कोई नहीं है, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, और दो मिनट तक तड़पने के बाद, मदद के लिए हाथ पांव मारने के बाद लाचार होकर इस शख्स का जिस्म ठंडा पड़ जाता है, सांसें रुक जाती हैं। बात सिर्फ इतनी है कि न्यू मेडिकल कॉलेज में एक शख्स की तड़प तड़प कर मौत हो गई, लेकिन इस शख्स ने जैसे दम तोड़ा, जिन हालात में इसकी मौत हुई वो शर्मसार करने वाला है। जिस व्यक्ति को आप हॉस्पिटल के बेड पर एक एक सांस के लिए जूझते देख रहे हैं, इनका नाम है लालचंद बालव। लालचंद को चेस्ट इन्फेक्शन था, कंजेशन था, वो ठीक हो गया था, लेकिन अचानक फिर से इन्फेक्शन हुआ। परिवार वाले उसे ESI हॉस्पिटल ले आए। डॉक्टर्स ने लालचंद को कोरोना सस्पेक्ट बताकर मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल भेज दिया। लालचंद को कोरोना वार्ड में भर्ती करा दिया गया और डॉक्टर्स ने परिवार वालों को वापस भेज दिया क्योंकि कोविड पेशेंट से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं होती। और इसके बाद लालचंद के परिवार वालों को उसकी मौत की खबर मिली, और मौत कैसे हुई ये उनको इस वीडियो से पता चला जो आप अपनी TV स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड में रात को 3 बजे लालचंद की तबीयत खराब हुई। लालचंद ने उठने की कोशिश की, घर वालों से बात करने के लिए फ़ोन उठाया, लेकिन फ़ोन हाथ से छूटा और बेड के नीचे गिर गया। इस शख्स को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, वो छटपटा रहा था, और सोचिए इस पर क्या बीत रही होगी। उसको मदद की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, वार्ड में न कोई डॉक्टर था, न कोई नर्स, न कोई वार्ड बॉय, कोई नहीं आया। कुछ दूसरे मरीज इसी वार्ड में थे, वो लालचंद को तड़पते हुए देख रहे थे, वो उसका वीडियो बना रहे थे, लेकिन किसी ने मदद के लिए डॉक्टर को नहीं बुलाया। कोरोना का खौफ इतना है कि वार्ड में मौजूद कोई भी व्यक्ति लालचंद के करीब नहीं गया। लालचंद बेड से गिरा, ज़मीन पर गिर कर तड़पने लगा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की क्योंकि इस वार्ड में कोरोना के पेशेंट नहीं थे, कोरोना सस्पेक्ट थे। इसलिए सबको डर था कि कहीं लालचंद कोरोना पॉजिटिव ना हो, उसकी मदद करने से, उसके करीब जाने से वो भी कोरोना के शिकार ना हो जाए। इसलिए लोग वीडियो तो बनाते रहे लेकिन कोई उसके करीब नहीं गया। करीब 2-3 मिनट तड़पने के बाद लालचंद की सांसें थम गई। Thank you.
पड़ रहे हैं शायद उसके, तो दूर आ रही क्या आ रही है क्या पता नहीं क्या। ये वीडियो दिल दहलाने वाला है। एक इंसान इस तरह से हॉस्पिटल में तड़प तड़प कर मर जाए, इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। मैंने इस वीडियो की हकीकत पता करने के लिए कहा तो लालचंद के परिवार वालों ने बताया, उन्होंने 21 मई को लालचंद को कोटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। दो दिन तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। तीसरे दिन 24 मई को हॉस्पिटल वालों ने बताया कि लालचंद की मौत हो गई है, उसकी लाश ले जाओ। परिवार वालों का कहना है कि वीडियो में जिस तरह लालचंद तड़पते दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद वो हॉस्पिटल के खिलाफ, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के खिलाफ मर्डर का मामला दर्ज करना चाहते हैं। हमने एसआई में दिखाया उनको, एसआई में दिखाने के बाद एसआई ने दो जांचें लिखी, उनमें से एक तो कोरोना की लिखी और एक और लिखी इनकी चेस्ट वगैरह की। तो उन्होंने कहा भाई आप वहाँ चले जाओ, ये न्यू मेडिकल कॉलेज ले गए। 21 तारीख को 4 बजे 4:30 बजे भर्ती करा दिया शाम को। उसके बाद भर्ती कराने के बाद में फिर हमारे को मिलने नहीं दिया। एक बार हमको भर्ती कराने के बाद निकाल दिया भाई आप जा सकते हो। दो दिन गुजरने के बाद भी उन्होंने कोरोना या किसी चीज़ की रिपोर्ट की जाँच नहीं दी हमें। हमें नहीं बताया कि भैया तुम्हारे कोरोना नहीं है, तुम्हारे भाई के, आप इसको ले जा सकते हो या ये बीमारी आप दूसरे अस्पताल में भर्ती करा सकते हो। तो उन्होंने 6 बजे फ़ोन किया कि भैया आपके भैया की डेथ हो गई है, आप यहाँ आके गेट नंबर 4 से उनको ले जाना। उसको लेके आए कि प्रशासन की घोर गलती है, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ है ना कोई डॉक्टर है, और वो जो वीडियो बताया उसमें भी ये दिखा रखा है स्पष्ट रूप से, अनजान के द्वारा जो भी वीडियो बनाया हम साफ दिख रहा है कि क्या लापरवाही है। वह स्वयं आप भी देख सकते हो, उसके जो वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा अस्पताल की संपूर्ण लापरवाही है सर। मैं चाहता था कि हॉस्पिटल के लोग क्या कहते हैं ये भी पता चले, तो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर चंद्रशेखर से बात की। डॉक्टर साहब से पूछा गया कि मरीज तड़प तड़प कर मर गया, किसी ने मदद नहीं की, कोई डॉक्टर वहाँ मौजूद नहीं था। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि सबसे ज़्यादा गलती तो उन मरीज़ों की है जो वार्ड में बैठकर वीडियो बनाते रहे, लेकिन लालचंद की मदद करने आगे नहीं आए। वार्ड बॉय था, जब उसे इन्फॉर्मेशन दी गई वो वहाँ गया, उसने डॉक्टर्स को बुलाया, लेकिन इसके बाद भी लालचंद को बचाया नहीं जा सका। ये 24 तारीख की बात है, अभी का नहीं है। जब पेशेंट की तबीयत खराब हो रही थी, उसको दौरे आ रहे थे, वो गिरा, उस समय जो व्यक्ति उसको उस वीडियो बना रहा है क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं होती? सबसे पहले तो कम से उसकी जिम्मेदारी है वीडियो बनाने के पहले कम से उसको संभाले, और संभालने के बाद में तुरंत कंपाउंडर को बुलाए। पहले आराम से उसने वीडियो बनाया, उसके बाद में वो फिर कंपाउंडर के पास गया, फिर कंपाउंडर को बुला के लाया। उस समय ड्यूटी पे कंपाउंडर वहीं था, अपने स्टेशन में बैठा हुआ था, जो नर्सिंग स्टेशन होता है वहाँ बैठा हुआ था। उसके साथ एक फोर्थ क्लास था, वो आए, उन्होंने पेशेंट को उठाया, उसके बाद में बेड पे लिया, डॉक्टर को बुलाया, दो तीन बार फ़ोन किया, फ़ोन नहीं लगा क्योंकि वहाँ से कनेक्शन नहीं मिल पाता। बाहर जाके उन्होंने फ़ोन किया, डॉक्टर्स आए, उसके बाद में पूरा ट्रीटमेंट लिखा, उसको लेटाया, उसको ड्रिप लगाई, उसको इंजेक्शन लगाए, सारा सब कुछ किया। उसके बाद में जब पेशेंट जब ज़रा बहुत खराब हो गई तो उसके बाद में पेशेंट एक्सपायर हुआ। क्या कहें डॉक्टर साहब की बात सुन के, हो सकता है इनके हॉस्पिटल में मौतें होती रहती हों, डॉक्टर साहब को इस तरह के हालात देखने की आदत हो, उन्हें ये कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन किसी भी इंसान के लिए ये बड़ी बात है। ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है, हम कैसे मुल्क में रह रहे हैं, हॉस्पिटल में मरीज की मदद ना मिले, उसे देखने वाला कोई ना हो, वो तड़प तड़प कर मर जाए। लालचंद के परिवार वालों ने हॉस्पिटल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, इस पर लीगल एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की लापरवाही से पूरा सिस्टम बदनाम होता है, पूरे सिस्टम से लोगों का भरोसा उठता है। हालांकि ऐसा नहीं कि इस तरह की लापरवाही सिर्फ कोटा में दिखी, आज मैं आपको लापरवाही के कई केसेस दिखाना चाहता हूं। ठाणे का वीडियो देखिए, सरकारी हॉस्पिटल का है, तस्वीरों में जहां पर कोरोना का टेस्ट हो रहा है वहीं पास में कोरोना के शिकार दो लोगों की लाशें भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं। वीडियो तो हैरान करने वाला है, दो मरीजों की लाश ग्राउंड फ्लोर पर रखी हुई है, एक लाश को स्ट्रेचर पर नीले प्लास्टिक में बांधा हुआ है,
जबकि दूसरी डेड बॉडी नीचे फर्श पर कपड़े में बांध कर रखी गई। इन डेड बॉडीज के पास ही कोरोना टेस्ट के लिए लोगों का सैंपल लिया जा रहा था। जब हमने इस वीडियो की जांच की तो पता चला ये वीडियो ठाणे के सरकारी हॉस्पिटल का है। हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने बताया कि ये दोनों लाशें कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की थी। हॉस्पिटल में जिस कर्मचारी की ड्यूटी लाशों को मॉर्चरी तक पहुंचाने की थी वो किसी दूसरे काम के लिए निकल गया। अब लाशों को उठाने वाला तो कोई था नहीं। इसे करीब 2-3 घंटे तक ये डेड बॉडीज इसी तरह पड़ी रही। इसी दौरान स्वाब टेस्ट के लिए आए किसी शख्स ने गलियारे में मौजूद इन लाशों का वीडियो बना लिया। जब हमने इसकी पड़ताल शुरू की तो थाने महानगर पालिका के कमिश्नर ने इस घटना की पुष्टि की और इंडिया टीवी को बताया कि दरअसल ये वीडियो ठाणे शहर के ही छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल का है और वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने इस पूरी घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में उन्होंने बताया कि दरअसल जिस कर्मचारी को डेड बॉडी वहां से लेकर जाना था वह कुछ दूसरे काम में व्यस्त था, इसलिए कुछ समय के लिए उसने डेड बॉडी वहाँ टेस्ट स्वैब सेंटर के बाहर ही स्ट्रेचर पर रख दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर कर्मचारी को वहाँ पर वहाँ से किसी दूसरे काम के लिए जाना था तो डेड बॉडी को वहाँ से हटाकर भी जा सकता था। डेड बॉडी को कोरोना के लिए बनाई गई खास मॉर्चरी में रखा जा सकता था। अब कमिश्नर साहब ने तो कह दिया कि जांच कराएंगे, एक्शन लेंगे। इसमें न तो जांच की जरूरत है न एक्शन की। जरूरत है इस कमी को ठीक करने की। वैसे भी कोरोना के मामले में महाराष्ट्र का हाल बहुत बुरा है। मुंबई तो कोरोना की कैपिटल बना हुआ है। मुंबई के हॉस्पिटल से जो वीडियो मुझे मिल रहे हैं वो परेशान करने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं। अगला वीडियो जो आपको दिखाने जा रहा हूं ये मुंबई के KEM हॉस्पिटल का है। दावा किया गया कि ये तस्वीर KEM हॉस्पिटल के वार्ड 20A की है। वीडियो हॉस्पिटल में एडमिट कोरोना पेशेंट के रिश्तेदारों ने बनाया। पता किया तो मालूम चला कि वीडियो मंगलवार यानी 26 मई का है, 3 दिन पहले का। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कोरोना वार्ड का क्या हाल है। कुछ मरीज जमीन पर पड़े हैं जबकि बेड पर कुछ लाशें हैं। मरीज कोई हटा भी नहीं रहा है, डॉक्टर से नीचे लेटे हुए कचरा बेड से नीचे पड़े हैं। डॉक्टर्स को बोलते हैं कि पेशेंट को आगे एक ही वार्ड में कोरोना के मरीज भी हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं और कोरोना से मरने वालों की लाशें। सोचिए कितनी डराने वाली चौंकाने वाली सिचुएशन। सामने डेड बॉडी रखी है इनको लेके नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे भी डेड बॉडी रखी है इनको लेके नहीं जा रहे। KEM हॉस्पिटल है, यहाँ पे डेड बॉडी है, ये भी डेड बॉडी है। पेशेंट यहाँ पे नीचे लेके लेटा हुआ है, कचरा वहाँ पे पड़ा हुआ है। सामने डेड बॉडी कल शाम से यहाँ पे पड़ी हुई है गाइस, देखो। और वो डेड बॉडी 4 घंटे से वहाँ पे पड़ी हुई है, ये डेड बॉडी कल नाइट से यहाँ पे पड़ी हुई है। कोई हटा भी नहीं रहा है, डॉक्टर बोल रहे हैं पेशेंट नीचे लेटे हुए कचरा उधर साइड में पड़ा हुआ है। डॉक्टर्स को बोलते हैं कि पेशेंट को आके चेक करो, मास्क पहन। डॉक्टर्स को बोलते हैं आके पेशेंट को चेक करो तो वो बोलते हैं कि तू जाके देख, और दूसरा बोलता है तू जाके देख। कोई भी आके पेशेंट को देखने के लिए रेडी नहीं है इधर को। कचरा भी साफ करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। कचरा साफ करने भी कोई साफ करने के लिए भी यहाँ पे कोई नहीं। कचरा साफ करने के लिए बोले तो बोलते हैं तुम साफ कर लो, हम यहाँ पे कचरा साफ करें कि कोरोना वायरस को देखें। और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल ही रखी जा रही है, आप देख सकते हो वहाँ पे। फिर देखें यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 1 मीटर से 1 सेंटीमीटर भी नहीं है किसी के पास जगह। मैं आगे की बात को इससे पहले आपको बता दूं, अभी अभी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा था उसी वक्त मैंने झटके महसूस किया, अब कंफर्म भी हुआ है। मैं वापस अपने खतरनाक वीडियो, चौंकाने वाले, तकलीफ देने वाले वीडियोस पर आता हूं। KEM हॉस्पिटल की एक और तस्वीर खतरनाक तस्वीर है। इन तस्वीरों में कोरोना के पेशेंट्स की डेड बॉडीज को हॉस्पिटल के कॉरिडोर में रखा गया है। कायदे से अगर किसी मरीज के कोरोना से मौत हो जाए तो उसके शव का जल्दी से जल्दी डिसइंफेक्शन करना होता है और डिसइंफेक्ट करने के बाद ही उसे अंतिम संस्कार के लिए भेजा जाता है, क्योंकि जितनी देर होगी
दूसरे लोगों में इन्फेक्शन फैलने का खतरा उतना ही ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इन तस्वीरों से साफ है कि मरने वालों की फिगर इतनी ज्यादा है कि डेड बॉडीज को डिस्पोज ऑफ करना हॉस्पिटल के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। मुंबई के एक और हॉस्पिटल की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। मुंबई के राजावाड़ी हॉस्पिटल से तस्वीरें आई, भयानक तस्वीरें हैं, चौंकाने वाली तस्वीरें, रोंगटे खड़े करने वाली। कोरोना के मरीजों की लाशें वार्ड में पड़ी थी, जिन मरीजों का इलाज हो रहा है वो बगल वाले बेड पर लाश को देख रहे हैं। जरा सोचिए मरीजों के दिल पर क्या बीत रही होगी, उन्हें कैसा फील हो रहा होगा, क्योंकि उन्हें भी कोरोना है और जो मर गया वो भी कोरोना से इन्फेक्टेड था। इसके बारे में मुंबई की मेयर किशोरी पेंडेकर से बात की गई। मेयर साहिबा ईमानदारी से मानती हैं ये सारे वीडियो सही हैं, और ये भी सही है कि कई बार हॉस्पिटल्स में डेड बॉडीज को क्लियर करने में वक्त लग जाता है, लेकिन ये लापरवाही नहीं मजबूरी है। किशोरी पेडनेकर ने कहा कि स्टाफ कम है, काम ज़्यादा है, रिसोर्सेस कम है और लाशें ज्यादा है, इसलिए टाइम लगता है। ये मैं नहीं बोलती है कि डेड बॉडी नहीं थी भाई, एक साथ चार या पांच डेड बॉडी होती है तो एक साथ तो लेके नहीं जा सकते ना, इसके ऊपर 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 रखे, एक एक तो लेके जाएगा तो 15-20 मिनट तो उसमें लगेगा ना। ये प्रैक्टिकल काम है, ये प्रैक्टिकल समझ में ही नहीं लेने का और कुछ भी काम करने का, ये लोगों का काम है, उनको उनका काम करने दो। डेड बॉडी है हमने ना नहीं नहीं बोलते है, लेकिन आधा घंटा एक घंटे में उधर से हम रिलीज करते, लोग मर जाते तो उनको काम करने वाला एक ही आदमी रहता है, एक ही पोस्ट है, वो सील करने में एक सवा घंटा जाता है उसको, वो पूरा बंद करके सबको एक साथ तो लेके जा नहीं सकते है, एक एक बॉडी तो लेके जाएगा और उसी टाइम ये घूमते रहते हॉस्पिटल में और वही करेंगे। एक तो अभी प्राइवेट हॉस्पिटल भी फुल है, अपने बीएमसी के हॉस्पिटल में ज्यादा तान बढ़ गया है, वो काम कर रहे हैं, उनको ज्यादा मॉरल उनका ये करने के काम नहीं करने का है, बस उनको डीमोरल करो, ये काम सवाल में देना चाहिए। हम हमारा काम अच्छी तरह कर रहे हैं। मुंबई की मेयर की बात भी सही है, मैं उनकी मजबूरी भी समझता हूं, कोरोना वॉरियर्स की दिक्कतें भी मुझे मालूम हैं, उनका मोराल बढ़ाने की भी ज़रूरत है, हॉस्पिटल में काम करने वालों पर कितना प्रेशर है इसका अंदाज़ा भी मुझे है और मैंने लगातार इसकी बात की है। लेकिन ये भी सही है कि हॉस्पिटल से आने वाली तस्वीरें, हॉस्पिटल की ये वीडियोस लोगों को डरा रहे हैं। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ जो कोरोना से नहीं डरते, जो वायरस से नहीं डरते, वो जानते हैं हमारे देश में 80% लोग ठीक हो जाते हैं। लोग डरते हैं हॉस्पिटल जाने से, डॉक्टर को बताने से, हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में अकेले रह जाने से, उनको विश्वास नहीं है कि हॉस्पिटल में ठीक से इलाज होगा, हाइजीन होगी, ठीक से टॉयलेट होगा, खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आसपास कोई अपना नहीं होता। लोग डरते हैं इस बात से अगर एक को इन्फेक्शन हो गया तो को पूरे परिवार को उठाकर ले जाएंगे। कोई कहता है कि घर सील हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या होगा। डॉक्टर कहते हैं कि कोरोना के मरीज बीमारी छुपाते हैं और वो इसलिए बचते नहीं क्योंकि लास्ट मोमेंट पर आते हैं। डॉक्टर कहते हैं अगर वक्त रहते मरीज हॉस्पिटल आ जाए तो उन्हें बचाया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर्स को यह समझना होगा कि मरीज क्यों डरते हैं, क्यों हॉस्पिटल नहीं आना चाहते, क्यों डॉक्टर को बताना नहीं चाहते, क्योंकि मन में जो तस्वीरें उनके सामने हैं वो खौफ पैदा करती हैं। और मैं ये नहीं कहता कि हर जगह हॉस्पिटल ऐसे हैं, लेकिन डर हर जगह एक जैसा है, डर बढ़ रहा है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और अब लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की तैयारी भी हो रही है। लॉकडाउन बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कहाँ छूट मिलेगी, कहाँ पहले से ज़्यादा सख्ती होगी, इसकी डिटेल्स मेरे पास में है, ये आपको बताऊं। इससे पहले 20 सेकंड का एक स्पॉन्सर मैसेज। थैंक यू। ये क्या वो? व्हाट? इट किल्स बैक्टीरिया।
Asian Paints Royal Health Shield, the paint that cares for you. लॉकडाउन का चौथा फेज खत्म होने को है, ये आप जानते हैं। पांचवें फेज की तैयारी हो रही है। मेरी जानकारी है कि 31 मई को जब लॉकडाउन का चौथा फेज खत्म होगा तो लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया जाएगा और ये राज्यों पर छोड़ दिया जाएगा कि वो इस बढ़े हुए लॉकडाउन में किसको कितनी छूट देना चाहते हैं, कितनी पाबंदी हटाना चाहते हैं और किसको कितनी सुविधा देना चाहते हैं। लॉकडाउन तो जारी रहेगा लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मॉल्स, सिनेमा हॉल पर पाबंदी जारी रहेगी। ये केंद्र सरकार का फैसला होगा। लेकिन स्कूल कॉलेज कब खोलने हैं, मेट्रो कब चलानी है, ये फैसला राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा, उन पर छोड़ दिया जाएगा। जहाँ तक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों का सवाल है, ममता बनर्जी ने आज ऐलान कर दिया कि 1 जून से धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भी चाहते हैं कि कर्नाटक में रिलीजियस प्लेसेस को खोलने की इजाजत दे दी जाए, तो हो सकता है कि ये फैसला भी राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाए। लेकिन दो बातें बिल्कुल साफ हैं, कोरोना के इन्फेक्शन से प्रभावित 30 कंटेनमेंट जोन में जरा भी छूट नहीं दी जाएगी, बल्कि राज्य सरकारों से इन इलाकों में ज्यादा सख्ती बरतने को कहा जाएगा। 13 शहर ऐसे हैं जहां पर हालत सबसे ज्यादा खराब है, इन पर केंद्र सरकार पूरी नजर रखेगी और वहां पाबंदियां जारी रहेंगी। और इस बार जब लॉकडाउन लगाया जाएगा उसे 15 दिन बाद रिव्यू किया जाएगा और इस रिव्यू में राज्य सरकारों की भूमिका अहम होगी, वो तय करेंगी, सलाह देंगी। केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा चिंता 4 मेगा सिटीज की है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। इन शहरों में राज्य सरकारों से ज्यादा सख्ती बरतने को कहा गया है, लेकिन 13 शहर ऐसे हैं जिनमें पहले से और ज्यादा सख्ती की जाएगी। इन शहरों में नई पाबंदियां लगाई जाएंगी। लॉकडाउन को इसलिए एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से लगातार देश में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,466 नए केसेस सामने आए हैं। ये फिगर अब एक दिन में कोरोना के नए मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है, ये एक रिकॉर्ड है। अब देश में कुल 1,65,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि जब पूरे देश में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं तो फिर 13 शहरों में सख्ती क्यों की जाएगी? तो मैं आपको बता देता हूं कि देश के 70% कोरोना के पेशेंट इन 13 शहरों में हैं। और एक लिहाज से ये राहत की बात है कि 70% लोग इन शहरों में हैं, 13 शहरों में। और अगर इन शहरों में कोरोना पर काबू पा लिया गया तो फिर देश को कोरोना से मुक्ति दिलाने में आसानी होगी। अब इन शहरों के नाम भी सुन लीजिए और देख लीजिए इसमें आपका शहर तो नहीं है। कोरोना का सबसे बड़ा एपिसेंटर है मुंबई और मुंबई के बाद नंबर आता है चेन्नई का। चेन्नई पिछले 3 हफ्ते में अचानक सबसे ऊपर आ गया, टॉप पर आ गया, और इसके बाद दिल्ली और फिर अहमदाबाद और इसके बाद ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, चेंगलपट और तिरुवल्लूर। इन सब शहरों में लॉकडाउन के अगले फेज में ज्यादा सख्ती होगी। मैं आपको बताऊंगा कि इन शहरों का हाल क्या है, क्यों इन शहरों का नाम इतना लिया जा रहा है, क्यों यहां पर कोरोना बेकाबू हो गया। इस वक्त देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज महाराष्ट्र में हैं। 62,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। 2,098 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 2,682 नए केसेस सामने आए हैं। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि आज 8,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज होकर घर चले गए। लेकिन महाराष्ट्र में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मुंबई, और मुझे कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि जैसा हाल अमेरिका में न्यूयॉर्क का है वैसा ही मंजर हमारी मुंबई में हो सकता है, ये डर दिखाई दे रहा है। अब से कुछ देर पहले मुंबई के आज के फिगर सामने आए। मुंबई में इस वक्त कोरोना के 36,000
932 केसेस हैं, 36,932, लगभग 37,000 हो गए। पिछले 24 घंटे में 1,447 नए केसेस सामने आए हैं, 1,447 न्यू केसेस, जबकि एक दिन में यहां कोरोना की वजह से 38 लोगों की जान चली गई थी। कुल मौत की फिगर 1,173 है। और जैसा मैंने कहा कि मुंबई का ये ट्रेंड आज का नहीं है, कई दिनों से लगातार इसी तरह से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मुंबई के हॉस्पिटल्स में कई लोग इस वायरस की वजह से दम तोड़ रहे हैं, और अगर मुंबई के हॉस्पिटल्स की बात करूं तो तकरीबन सारे आईसीयू बेड्स ऑक्यूपाइड हैं। 27 मई तक 645 आईसीयू बेड्स में से 99% ऑक्यूपाइड थे। इसी तरह ऑक्सीजन वाले 4,292 बेड्स में से 65% बेड्स कोरोना पेशेंट से भरे हुए हैं। मतलब ये कि मुंबई में करीब 2,800 कोरोना पेशेंट फिलहाल ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। मुंबई में, जिसे माया नगरी कहा जाता है, फिल्म इंडस्ट्री का शहर है, 373 वेंटिलेटर्स में से 72% अभी ऑक्यूपाइड है, इन पर पेशेंट हैं। 268 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। आप समझ सकते हैं कि मुंबई के हॉस्पिटल्स पर कितना प्रेशर है, और वहां मरने वालों की फिगर्स रोज क्यों बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना के मरीज तमिलनाडु में बढ़े हैं। यहां महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा मरीज हैं, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। इस वक्त तमिलनाडु में कुल 20,246 केसेस हैं। 24 घंटे में 847 मरीज सामने आए, लेकिन थोड़ी रात की बात है कि तमिलनाडु में डेथ रेट कम है, मरने वालों की जो रेट है वो कम है। ये रात की बात है। कुल 154 मरीजों की मौत हुई है, और इसके साथ साथ 11,313 मरीज ठीक भी हुए हैं। लेकिन एक परेशान करने वाली बात भी है, वो ये कि मुंबई के बाद चेन्नई सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। तमिलनाडु में 24 घंटे में जो 874 मरीज मिले, उनमें से 618 अकेले चेन्नई के हैं। तमिलनाडु के कुल 20,246 केसेस में से 13,362 मरीज अकेले चेन्नई में है। बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन चेन्नई में ज्यादा फोकस है। मैंने ये पता करने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है, चेन्नई में कोरोना का इन्फेक्शन इतना तेजी से क्यों बढ़ा। तमिलनाडु की सरकार का, वहां के मंत्रियों का, अफसरों का कहना है कि तमिलनाडु में टेस्टिंग सबसे ज्यादा हो रही है, इसलिए केसेस की संख्या ज्यादा है। तमिलनाडु में 4.5 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए हैं, इसीलिए सरकार का दावा है कि पॉजिटिव केसेस की संख्या भी दिखाई दे रही है। और चेन्नई का एक इलाका है कोयम्बेडु, यहां सब्जियों की सबसे बड़ी होलसेल मंडी है। इस मंडी में कम्युनिटी स्प्रेड हुआ, जिसके कारण एक ही इलाके में 4,000 से ज्यादा केसेस सामने आ गए। इस मंडी में पूरे तमिलनाडु के किसान सब्जियां बेचने आते हैं, और यहां से कोरोना का वायरस तमिलनाडु के कई इलाकों में पहुंच गया। तिरुवल्लूर में 863 मरीज हैं, यहां भी 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। चेंगलपट में कोरोना का बड़ा सेंटर बना है, इस छोटे से शहर में 933 मरीज मिले हैं। इस शहर में 10 लोगों की मौत हुई है, और अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि तमिलनाडु में कुल 20,000 मरीज हैं, इनमें से 14,000 से ज्यादा मरीज सिर्फ चेन्नई, चेंगलपट और तिरुवल्लूर में हैं। अब मैं आपको देश की राजधानी दिल्ली का हाल भी बता देता हूं, डराने वाला है। कोरोना के मामले में दिल्ली देश में टॉप 3 में है। कुछ दिन पहले तक दिल्ली में कोरोना काबू में था, कंट्रोल में था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन में ढील दी गई, 80% दिल्ली को खोल दिया गया, तब से कोरोना के नंबर तेजी से बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में से कोरोना के 17,386 केसेस सामने आए हैं। पिछले 5 दिन में ये फिगर 13,000 से थोड़ी ज्यादा थी। 5 दिन पहले सिर्फ 5 दिन में ये करीब 4,000 नए मरीज सामने आए हैं, और दिल्ली में गुरुवार को 1,024 नए केसेस डिटेक्ट हुए। पिछले 24 घंटे में 1,106 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। ये दिल्ली में एक दिन में कोरोना के मरीजों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है।
कल तक दिल्ली में कोरोना की वजह से 316 लोगों की मौत की बात कही गई थी, लेकिन आज दिल्ली सरकार ने इसे रेक्टिफाई किया। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर ने आज बताया कोरोना की वजह से 398 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि एक दिन में 82 की मौत नहीं हुई। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि पिछले 24 घंटे में तो 13 मौतें हुई हैं, लेकिन हॉस्पिटल में 34 दिन का रिवाइज्ड मोर्टिलिटी डेटा भेजा है, इसलिए मरने वालों की फिगर बढ़ गई है। 34 दिन में 69 और डेथ रिपोर्ट की गई है, और इनमें अकेले सफदरजंग अस्पताल में 50 से ज्यादा कोविड पेशेंट की डेथ हुई है। मतलब ये कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स में कोरोना से मरने वालों की फिगर पहले कम करके बताई गई थी, छुपाई गई थी, इसके बाद जब सरकार ने सख्ती की आज अचानक मरने वालों की फिगर्स जारी कर दी गई। टोटल डेथ दिल्ली में अभी तक 398 हो चुकी हैं, इसमें 13 डेथ 27 तारीख की है और बाकी जो डेथ हैं उससे पहले की हैं। जो हमारा हेल्थ बुलेटिन है उसमें 82 डेथ्स आज बताई जाएंगी, जिसमें से सभी डेथ जो हैं 32 अलग अलग डेज की हैं। 13 डेथ हैं 27 तारीख की और बाकी डेथ उससे पुरानी है। अगर चाहें तो मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, जैसे 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सभी दिनों में एक 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 डेथ हुई है। तो दिल्ली के अंदर लगातार कई दिनों की डेथ थी, जिसमें सफदरजंग हॉस्पिटल की 52 डेथ ऐसी हैं जो कि बहुत काफ़ी पुरानी थी, जिनको उन्होंने हमारे को दो दिन पहले दिया है, जिसको ऑडिट करके सारी की सारी डेथ को इसमें ऐड कर दिया गया है। दिल्ली बड़ा शहर है, हेल्थ सर्विसेज भी हैं, सपोर्ट सिस्टम्स भी हैं, सरकार के पास पैसा भी है, तैयारी भी की गई हैं, लेकिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर सब चिंता में है, परेशान में है। लेकिन ये परेशानी और बढ़ सकती है, क्योंकि दिल्ली के लोगों को ये लगने लगा है कि अब किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं बची। वो मानने लगे हैं कि जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो गया है और सरकार की तरफ से सख्ती कम की भी गई है, अब हर जगह पुलिस दिखाई नहीं देती, इसलिए लोग न तो नियमों का पालन कर रहे हैं, न दो गज की दूरी बनाकर रख रहे हैं, न कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, और इसकी वजह से कोरोना और तेजी से फैल सकता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके की तस्वीरें दिखा देता हूं। यहां लोग सब्जी मार्केट में ऐसे निकले जैसे किसी फेस्टिवल में, किसी त्योहार में खरीदारी करने आए हो। दुकानों पर जबरदस्त भीड़, कई लोग तो बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, एक एक बाइक पर 3-4 लोग सवार। सोचिए अगर इनमें से एक भी कोरोना के इन्फेक्शन का शिकार होगा तो पूरे के पूरे इलाके में वायरस को फैलने में देर नहीं लगेगी। हमारी संवाददाता ज्योति मिश्रा ने बताया कि त्रिलोकपुरी वैसे ही कंजेस्टेड इलाका है, छोटे छोटे मकान हैं, एक एक कमरे में 5-5, 6-6 लोग रहते हैं, इसलिए इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया है। यहाँ पर देखिए इस सड़क का जो एरियल व्यू है, जरा ऊपर से कैमरे से देखेंगे तो आपको ऐसी भीड़ नजर आएगी जो किसी तीज त्योहार पर देखने को मिलती है। ये लॉकडाउन के दौरान की तस्वीर है, ये दिल्ली के त्रिलोकपुरी की तस्वीर है। मार्केट खुलने के बाद लोग जो एसेंशियल सर्विस है उसके लिए आए, ये इजाजत सरकार ने दी है, लेकिन जिस तरह से भीड़ यहाँ नजर आ रही है और गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए लोगों में बिल्कुल भी दूरी नहीं है, निश्चित ही ये एक बड़ी वजह है कि इतने उल्लंघन जो नियम के किए जा रहे हैं, इससे कोरोना के मामले बढ़ेंगे ही। अगर आप ये उम्मीद करें कि इस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आप कोरोना को कंट्रोल कर पाएंगे तो ये लगभग नामुमकिन है। ये तस्वीर चौंका देने वाली है, ये लॉकडाउन 4 की तस्वीर है, दिल्ली की त्रिलोकपुरी की तस्वीर आप देखिए, जो पीछे भीड़ है मार्केट की, ये सड़क चारों तरफ जितनी भी सड़कें, ये किसी एक गली की नहीं, ये हर गली की तस्वीर है। ये एक जगह की तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, दिल्ली में कम से कम 50 इलाके ऐसे हैं जहां की इसी तरह की तस्वीर हमारे पास है। अब इतना वक्त नहीं है कि हर इलाके की तस्वीर दिखाई जाए, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खतरा कितना ज़्यादा है। दिल्ली जैसा हाल अहमदाबाद का भी है। अहमदाबाद में कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेज हैं, यहाँ 11,597 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 798 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 253 नए मरीज अहमदाबाद में सामने आए। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि अहमदाबाद में केस बढ़ने के 3-4 कारण हैं। शुरुआत में विदेश से लौटे लोगों की वजह से केसेस सामने आए, लेकिन इन्हें कंट्रोल कर लिया गया।
इसके बाद तबलीगी जमात के लोगों से इंफेक्शन फैला। अहमदाबाद के सेंट्रल और साउथ जोन कोरोना के हॉटस्पॉट बन गए। इसके अलावा अब कोरोना वायरस कई सब्जी बेचने वालों और प्रोविजन स्टोर चलाने वालों के बीच पहुंच गया। 7 दिन के लिए अहमदाबाद बंद था, लेकिन अब दोबारा खुला तो नए केसेस सामने आए। अब वेस्ट अहमदाबाद में भी केसेस सामने आए हैं, जो चिंता की बात है। अब से कुछ देर पहले मैंने आपको ठाणे की तस्वीरें दिखाई थी, हॉस्पिटल के अंदर जो लाशें थी, शव थे, आप भूले तो नहीं होंगे उन तस्वीरों को, और वहां पर कोरोना टेस्ट की लंबी लाइन लगी हुई थी। इसकी वजह यह है कि पिछले दिनों ठाणे जिले में कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ा है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में 8,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस आ चुके हैं, 172 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर स्पेसिफिक तौर पर सिर्फ ठाणे शहर की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान 142 नए केसेस डिटेक्ट हुए हैं, जबकि ठाणे में कुल मिलाकर 2700 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं और 79 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी तरह कल्याण डोंबिवली के इलाके में 500 से ज्यादा कोरोना के मरीज आइडेंटिफाई हो चुके हैं। मैं आपको उन 13 शहरों की बात बता रहा हूं जिन पर केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की खास नजर है। जहां देश के करीब 70% केसेस हैं और उनमें एक पुणे भी है। पुणे में कोरोना का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। अभी यहां 7,200 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, 310 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चिंता की बात है कि पिछले 24 घंटे में 460 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और पुणे में 7 लोगों की जान चली गई। मुश्किल यह है कि पुणे में भवानीपेट, शिवाजीनगर, कस्बापेट, बीवेवाड़ी, पिंपरी चिंचवाड़, यरबड़ा जैसे कंजेस्टेड इलाके हैं, इनमें कोरोना वायरस फैल चुका है और यहां संभालना मुश्किल काम है। इसीलिए कोरोना के केस तेजी से बढ़े हैं। छोटे छोटे मकान हैं, एक एक मकान में कई कई लोग रहते हैं, एक कमरे में 8 से 10 लोग। सोशल डिस्टेंसिंग तो फॉलो हो ही नहीं सकती। अब प्रशासन ने इन इलाकों से लोगों को निकालकर दूसरी बिल्डिंग पर रखा है ताकि कोरोना के इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सके। जब लॉकडाउन बढ़ेगा तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भी नई पाबंदियां लगेंगी। इंदौर में अब तक कोरोना के 3,344 केसेस सामने आ चुके हैं, इनमें से 126 लोगों की डेथ हुई है। पिछले 24 घंटे में 84 नए मामले सामने आए हैं और इंदौर का खजराना, मल्हारगंज, नेहरू नगर, चंदन नगर ये मेजर हॉटस्पॉट बने हुए हैं। पूरे मध्य प्रदेश में इस वक्त 876 कंटेनमेंट एरियाज हैं, लेकिन इनमें से 300 कंटेनमेंट जोन सिर्फ इंदौर में है। अब इलाके के डीएम खुद इन हॉटस्पॉट में जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं। कई मेडिकल टीम लगातार लोगों के घरों में जा रही हैं, कोरोना के बारे में बता रही हैं और जो लोग होम क्वारंटीन हैं उनसे रोजाना हेल्थ अपडेट लिया जाता है। देश के 13 सबसे खतरनाक शहरों में राजस्थान के 2 शहर हैं, जयपुर और जोधपुर। अब यहां भी सख्ती बढ़ाई जाएगी क्योंकि राजस्थान में अब कोरोना के कुल 8,365 मरीज हैं, जबकि 184 लोगों की मौत हुई है। इनमें से करीब 2,000 केसेस अकेले जयपुर में। अब हमने इसकी वजह समझने की कोशिश की तो पता चला कि शुरू में तबलीगी जमात के कारण कोरोना का वायरस जयपुर में पहुंचा। रामगंज इलाके में 1,000 से ज्यादा केसेस निकले। प्रशासन ने अकेले रामगंज मोहल्ले पर फोकस किया और काफी हद तक इस पर कंट्रोल भी पा लिया, लेकिन अब मुश्किल यह है कि जयपुर के दूसरे इलाकों में भी कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। जोधपुर में कुल मरीजों की संख्या 1,442 है और जोधपुर में काफी दिनों तक कोई केस नहीं था। इसके बाद अचानक कुछ क्लस्टर्स डेवलप हुए। अफसर कह रहे हैं कि पहले तो जोधपुर में कोरोना का वायरस तबलीगी जमात के लोगों की वजह से फैला, अब दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों के कारण कोरोना और बढ़ गया। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा से बात की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कोरोना पर बेहतर तरीके से काबू पाया गया है, अब जो केस बढ़ रहे हैं उसकी वजह सिर्फ पलायन है। दूसरे राज्यों से जो मजदूर घर वापस आ रहे हैं वो राजस्थान से गुजरते हैं या राजस्थान में आते हैं तो अपने साथ कोरोना का वायरस ला रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने बेटर क्वारंटीन सेंटर्स बना दिए हैं, सख्ती से नियमों का पालन करवाया जाएगा, तो उम्मीद तो है कि कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा। हमारे यहाँ जो नए लोग आए अभी एक मई के बाद में,
64% तो वो है पॉजिटिव केसेस के रूप, वरना हमारे तो अगर पुरानी स्थिति होती एक मई से पहले की तो 1150-1150 लोग ही एक्टिव केसेस के रूप में रह गए थे। तो जिस ढंग से हम जांच की सुविधाएं और बढ़ा रहे हैं, 25,000 करने का लक्ष्य निकट भविष्य में हमारा, और उसके बाद उसको बढ़ाते ही जाएंगे, हर जिला मुख्यालय पर टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप हो जाए ताकि कोरोना की महामारी जितने भी दिन चले, कोई भी नहीं कह सकता कितने दिन चलेगी, लेकिन राजस्थान नियंत्रित रहा है और आगे भी हम इसको नियंत्रित रखेंगे। मैंने रघु शर्मा के दावे को क्रॉस चेक किया, उनकी बात बिल्कुल सही है कि माइग्रेंट लेबर के कारण राजस्थान में मुसीबत बढ़ गई है। राजस्थान में पिछले दो हफ्ते में जो नए केसेस आए हैं उनमें से 64% मरीज वो हैं दूसरे राज्यों से वापस लौटे हैं। तो इस वक्त राजस्थान में ऐसे 2221 कोरोना पेशेंट प्रवासी मजदूर हैं। जिन 13 शहरों में कोरोना फैल रहा है उनमें कोलकाता का नाम भी जुड़ गया है। अब कोलकाता में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में एक दिन में 344 नए केसेस सामने आए। ये एक दिन में कोरोना के नए मरीजों की सबसे बड़ी फिगर है। जैसे पूरे वेस्ट बंगाल में कोरोना के 4,800 से ज़्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। इनमें से 1900 केसेस अकेले कोलकाता में है। अब रोजाना कोलकाता में ही 80-90 केसेस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोलकाता में 71 नए मरीज मिले हैं। पूरे वेस्ट बंगाल में कोरोना से अभी तक 230 लोगों की मौत हुई है। इनमें से अकेले 144 लोगों की डेथ सिर्फ कोलकाता में रिकॉर्ड की गई। इसलिए ज़रूरी है कि कोलकाता में पाबंदियां बढ़ाई जाएं और सख्ती की जाए। ये सही है कि हमारे देश में कोरोना से इन्फेक्टेड लोगों की तादाद तेज़ी से बढ़ी है। दिल्ली में एक दिन में 1,000 से ज़्यादा केसेस, मुंबई में 1,447 नए केसेस, ये सब फिगर्स बहुत अलार्मिंग है। लेकिन ये भी सही है कि ज़्यादातर केसेस 70% मरीज 13 शहरों तक लिमिटेड है। इन इलाकों को छोड़ दें तो पूरे देश में हालत इतनी ख़राब नहीं है, पर जैसे जैसे लोगों को छूट मिलेगी तो केसेस और बढ़ सकते हैं। लॉकडाउन हमेशा तो नहीं रह सकता, मजदूर लौट रहे हैं, रेल चल रही है, फ्लाइट चल रही है, दुकानें खुल रही हैं, वायरस फैलने का खतरा तो बढ़ेगा। ममता बनर्जी ने आज ये कहा भी कि पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस स्पेशल ट्रेनों के जरिए पहुंच रहा है। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में कोरोना एक्सप्रेस भेज रही है। क्या आप लोग श्रमिक एक्सप्रेस के नाम पर कोरोना एक्सप्रेस चला रहे हैं? कोरोना एक्सप्रेस चला रहे हैं? ममता बनर्जी की बात सही है कि मजदूरों के वापस पहुंचने से पश्चिम बंगाल में कोरोना के केसेस बढ़े हैं, दूसरे राज्यों में बढ़े हैं। लेकिन यह भी सही है कि मजदूरों को लेकर सबसे कम ट्रेन पश्चिम बंगाल में गई हैं। अभी भी हजारों बंगाली मजदूर मुंबई में स्टेशन पर बैठे हैं और ममता बनर्जी से वापस घर बुलाने की गुहार लगा रहे हैं। और दूसरी बात यह कि आज ममता ने ऐलान कर दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार 1 जून से लॉकडाउन में बड़ी ढील देने जा रही है। 1 तारीख से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब खुल जाएंगे। 8 जून से पश्चिम बंगाल में सारे सरकारी और प्राइवेट ऑफिस खुल जाएंगे। इसके अलावा चाय बागान और जूट मिल भी 8 जून से पूरी तरह खोलने का फैसला कर लिया गया है। आज हमारे संवाददाता अनूप मिश्र ने जो तस्वीरें भेजी हैं उन्हें देखकर लगता है कि कोलकाता में प्रवासी मजदूरों के अलावा कोरोना फैलने का दूसरा कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होना है। सरकार ने बंगाल में टैक्सी, रिक्शा और बस सर्विस शुरू कर दी है। बाजार खोल दिए गए हैं, सख्ती कम है, इसलिए लोग अब सब कुछ भूलकर आम दिनों की तरह घरों से निकल रहे हैं और कोरोना भी लोगों के साथ इधर से उधर जा रहा है। जहां तक मजदूरों का सवाल है, उनके जरिए कोरोना वायरस फैलने का सवाल है, तो ये सही है कि कुछ राज्यों में ये बड़ा इशू है। यूपी में कोरोना के कुल, मेरठ में अजीब वाकया हुआ। यहाँ कोरोना पेशेंट का सैंपल बंदर लेकर भाग गए। घटना मेरठ मेडिकल कॉलेज की है। यहाँ के लैब टेक्नीशियन कोरोना के 3 मरीजों का ब्लड सैंपल लेकर जा रहे थे, बाकी बंदर आ गए। लेकिन रास्ते में बंदरों ने उनसे सैंपल छीन लिए और बंदर इन सैंपल्स को लेकर पेड़ पर चढ़ गए, उसे खाने लगे।
कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि ये कोरोना टेस्ट के स्वाब का सैंपल नहीं था, बल्कि दूसरी जांच के लिए लिया गया ब्लड का सैंपल था। जो सैंपल बंदर ले गए हैं वो ब्लड के सैंपल थे, जो कोरोना का जो थ्रोट का सैंपल होता है वो नहीं थे उसमें। वो जो जिस टेक्नीशियन दिया था वो उसने बताया कि ब्लड के सैंपल लिया था, वो बंदर के सैंपल ले गए थे और उन्होंने उस सैंपल को दोबारा से मरीजों में दिखवा दिया। कोरोना के मरीजों से जो दूसरे टेस्ट होते हैं हमारे जनरल रूटीन टेस्ट होते हैं उनके रिजल्ट निकाला था उसने, वो लेके जा रहा था। कोरोना का डर लोगों से क्या क्या करवा देता है ये देखकर हैरानी होती है। हैदराबाद में एक मुस्लिम के शव को हिंदुओं के शमशान में दफनाया गया। बात सुनने में अजीब लगती है, मुस्लिम की कब्र के लिए हिंदुओं ने जमीन दी। हैदराबाद में मोहम्मद ख्वाजा का परिवार 35 साल से रहता है, मेहनत मजदूरी करते हैं। मोहम्मद ख्वाजा की हार्ट अटैक से मौत हो गई, परिवार वाले लाश को दफनाने के कब्रिस्तान गए, वहां जमीन नहीं दी गई। मौलवी से बात की, मौलवी ने दूसरे कब्रिस्तान में भेजा, वहां से भी लाश को लेकर वो लौट आए। 5 कब्रिस्तानों में फटके लेकिन किसी ने लाश को दफनाने के लिए 2 गज जमीन नहीं दी। सबको कोरोना का डर था। इलाके में रहने वाले हिंदू भी मोहम्मद ख्वाजा के परिवार को जानते हैं। इन लोगों ने देखा कोई उनकी मदद नहीं कर रहा तो ये लोग लाश को लेकर इधर से उधर फटक रहे हैं, तो हिंदुओं ने मिलकर शमशान में मोहम्मद ख्वाजा की कब्र के लिए जगह देने का फैसला किया। मोहम्मद ख्वाजा के परिवार से बात की, वो लोग शमशान में दफनाने के लिए तैयार हो गए, तो मोहम्मद ख्वाजा को कब्रिस्तान की जगह शमशान में दफना दिया गया। हमेशा मुसलमानों के लिए हमदर्दी दिखाने वाले असदुद्दीन ओवैसी इस मामले में अब तक कुछ नहीं बोले हैं। यहाँ मुसलमान को कब्रिस्तान नहीं है क्या? तो हम मुसलमान मरे तो कहाँ पे जाइए, सबके लिए, हमारे ससुरे के लिए नहीं है काफी है, कल उनकी मैयत के लिए हम लोग कितना तड़पे, कहाँ दफना है। बेटे परेशान थे तो हम लोग किधर गए, तो गांव जाना बोले तो किधर कर्नूल के तरफ है तो लॉकडाउन है, वहां जाए तो वो गांव वाले बाहर रोक देते, तो हम किधर जाए फिर, मैयत को लेके घर में ही रहे, घर में दफना ले हम लोग। और जो खोदे कब्रिस्तान वो बंद करा दिए, वो भी कितना गलत है, वो भी कब्र बंद कराने, बहुत तड़पे हम लोग, बहुत बहुत रोए कल उनके लिए। वो हमारा जाति होता तो इधर कुछ भी नहीं, तो हम लोग 10 साल से है तो इधर नहीं देते, मरना नहीं क्या हम लोग, वहीं जाके मरना क्या, जाति कहाँ पैदा हुए वहीं जाके मरना क्या हम लोग, फिर बताइए आप लोग। ये सब मुसलमान के लिए मैं बोल रही हूँ, कब्रिस्तान होना ही हमको, हर किसी के लिए होना, हर मुसलमान के लिए होना। लाश को लेकर परिवार वाले 5 कब्रिस्तानों में जाएं और कब्रिस्तान के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा, इस पर भरोसा करना मुश्किल है। तो मैंने अपने संवाददाता टी राघवन से कहा, इसकी जांच करो, सही वजह पता लगाने की कोशिश करो। राघवन ने बताया कि असल में मोहम्मद ख्वाजा के परिवार हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर एक गांव का रहने वाला है। 2 कब्रिस्तानों में तो ये कहकर उनकी लाश को लौटा दिया गया कि मोहम्मद ख्वाजा जहां के रहने वाले हैं वहां ले जाकर दफनाएं। बाकी 2 कब्रिस्तानों में लोगों को शक था कि कहीं मोहम्मद की मौत कोरोना से तो नहीं हुई, इसलिए कब्रिस्तान से लौटा दिया गया। जबकि कुछ जगहों पर लाश को दफनाने के एवज में मोहम्मद के परिवार से पैसे मांगे गए। चूंकि परिवार वालों ने मोहम्मद ख्वाजा की लाश को शमशान में दफनाया, इसके कारण कुछ मुस्लिम परिवार उनका विरोध कर रहे हैं। मोहम्मद के परिवार का कहना है कि अगर कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली, उनसे पैसे मांगे गए, तो वो क्या करते। इस मामले में वक्फ बोर्ड की आलोचना भी हो रही है और इसके बाद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने जांच के आदेश दिए हैं और एक्शन की बात कही है। कब्रिस्तान किसी की जागीर नहीं है, वक्फ है प्रॉपर्टी, वक्फ रहता कब्रिस्तान। तो यहाँ पर इन लोगों का सीन लगे क्या लगे, मतलब धंधे पानी बंद करना है पूरे, स्ट्रिक्टली जो है सस्पेंड करेंगे, सस्पेंड समझे, सस्पेंड होना, सस्पेंड करेंगे, नोटिस देंगे इमीडिएट, इन लोगों को नोटिस देना सर, इन लोगों को कॉल फॉर करके बुलाना है, बुला के और जो ना एक एक, एक रेजोल्यूशन भी पास करना है कि फ्री तदफीन होना और कोई भी मैयत कहीं से भी आ तो दफनाने देना है, बस लानत है ऐसे लोगों पे जो मुस्लिम मैयत को जगह नहीं दिए, तो लानत है मतलब। हिंदू मुसलमान के काम आए, मुसलमान हिंदू के काम आए, एक दूसरे की मदद करें, यही भाईचारा है, यही हमारी तहजीब है,
ये हमारे देश की ताकत है। लेकिन दुख इस बात का है कि एक दूसरे के लिए काम आए भी तो कब्रिस्तान में और शमशान में, और ये सब हुआ कोरोना की वजह से। जरूरी है एक साथ मिलकर कोरोना को दफनाने की कोशिश करें, कोरोना को खत्म करने की कोशिश करें। दुनिया भर में कोरोना की टेंशन है। हमारे देश के लिए कोरोना को पूरी दुनिया में फैलाने वाले चीन ने भी टेंशन और बढ़ा दी है। चीन को लेकर आज बड़ी खबर आई है, लद्दाख में चीन का जो ओरिजिनल प्लान था वो बहुत डेंजरस था, बहुत खतरनाक था, और इसकी पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे मेरे साथी सौरभ शर्मा।